देखो मैं YouTube फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन। तो जी यहाँ है आज एक और व्लॉग के साथ हम आ गए हैं। यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था और शॉपिंग थोड़ी सी हम करके जो है वो घर वापस जा रहे थे, और रश जो है वो आप देख सकते हैं, दुबई की रश तो आपको पता है। तो यहाँ हम बस कैनेडियन यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हुए हैं जो कि बे में, बिजनेस बे में है। और बस फिर हम घर पहुँच गए थे लेट नाइट, जो है वो हमें भूख लगी तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। और आपको पता होगा कि आजकल जो है वो दो तीन नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं पिज़्ज़ा हट वालों ने, तो हमने कहा उन्हीं को ट्राई करते हैं। तो यहाँ हमने पेरी पेरी क्रीमी रेंच जो है वो ऑर्डर कर लिया था एक, और एक हमारा स्पाइसी चिकन रेंच जो कि ऑलमोस्ट हमारा हमेशा ही फेवरेट होता है, तो हमने एक वो ऑर्डर कर लिया था। तो ये एक डील चल रही है आजकल पिज़्ज़ा हट की, आपको पता होगा, जिसमें 30 ईच में आई थिंक आपको लार्ज पिज़्ज़ा मिल रहा है। तो हमने कहा वो डील ट्राई करते हैं। वैसे तो ये कि पिज़्ज़ा मैं घर में ही बना लेती हूँ, बट आज मूड हो रहा था कि बाहर का खाते हैं, तो मैंने कहा चलें बाहर का खा लेते हैं। वो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा जो है, मैंने कहा एक उसका ओवरव्यू आपको दे दूँ ताकि जिस इसका दिल कर रहा है खाने का वो फटोफट स्क्रीन में से जो है वो खा ले। बट ऑनेस्टली मैं आपको ये बात पर रिव्यू दूँगी कि ये बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स थे जो नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस कराए हैं पिज़्ज़ा हट वालों ने। खैर फिर ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, और नेक्स्ट डे फिर रात का टाइम हो रहा है और हम लोग आगे थे लूलू, क्योंकि हमें मिडनाइट स्नैक जो है वो चाहिए होता है। तो हमारा मूड हो गया कि कुछ खाते हैं, फिर हम आ गए थे लूलू, हमने कहा कुछ ले लेते हैं, क्योंकि अगर आपको भूख लग रही है तो आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है कि आप लूलू चल जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस वैरायटीज़ मिल जाएंगी कि आपने आप कुछ भी ले सकते हो। आपको स्वीट्स मिल जाती हैं, आपको जो है वो रोस्टेड चिकन मिल जाता है, उसके अलावा मंदी एसेट्रा एसेट्रा कुछ भी। तो हम आ गए थे हमारे घर के जो पास वाला लूलू था वहाँ पर, और बस अब इंटर होते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या क्या है। ये नया खुला था, एक तो ऑलरेडी था हमारे घर के पास, एक ये फिर नया खुला है, बड़ी ब्रांच खुली उसकी। तो हमने कहा चलते हैं, जो जो ऑफ़र्स लगी हैं उसको भी देख लेंगे, और जो जो कुछ खाने पीने का अगर मूड है तो वो भी लेते रहेंगे। और मैंने कहा साथ साथ जो है आपको एक टूर भी देती जाऊं, जो ये ब्रांच हमारी ओपन हुई है ये बहुत ही प्यारा, मतलब मार्ट जो है यहाँ के वो बहुत ही बेहतरीन है। यूएई में मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि यहाँ के मार्ट जो साफ़ सुथरे होते हैं बहुत ही आला। तो बस अब ये सारी चीज़ें वगैरह पड़ी थी, ये फ्रूट सेक्शन आप देख सकते हैं, साथ सैलेड रेडी टू ईट सैलेड हैं, उसके अलावा ये पिज़्ज़ा है, या आप जस्ट घर जा के बेक कर लें तो ये रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे फिर ये खाने पीने की चीज़ें आ जाती हैं, शवरमा पड़े हैं, उसके अलावा लज़ानिया है, और एसेट्रा एसेट्रा से यहाँ पे ये समोसे और वड़ा पाव और जो जो चीज़ें, और यहाँ पे चिकन है, तो हम एज़ यूजुअल इनका चिकन लेने आ गए, क्योंकि ये चिकन जो है वो मेरा और उमर का बहुत फेवरेट है। और तब तक उमर चिकन ले रहे थे, मैंने कहा मैं आपको यहाँ स्वीट सेक्शन विज़िट कराऊँ। यहाँ पर आ जाते हैं ब्लूबेरी मफिन्स, ये जो हैं मेरे बहुत फेवरेट हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, मेरे तो फेवरेट हैं, पता नहीं आपको कैसे लगेंगे बट मेरे फेवरेट हैं। और साथ ही छोटे वाले मफिन्स जो हैं ये भी ऑफ़र में लगे हुए थे। उसके अलावा फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ एक जो मेरा फेवरेट है, वो है ये कैम्बिल, आई थिंक मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, बट ये बहुत बेस्ट होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और साथ मुझे मिल गई ब्राउनीज़, बट मैंने कहा नहीं अभी, ऑलरेडी मैं बहुत स्वीट ले रही हूँ, तो वो ब्राउनी जो है वो फिर मैं नेक्स्ट कभी लूँगी। साथ ही कुकीज़ पड़ी थी, अच्छा यहाँ पे मैक्रोन्स पड़े हैं, आई थिंक इनको मैक्रोन्स नहीं, आई थिंक मैक्रोन्स नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, मैक्रोन्स तो दूसरी शेप के होते हैं। खैर ये यहाँ पे पड़े थे, साथ चॉकलेट चिप जो है वो ब्रेड पड़ी थी, साथ ही हमने अंडे ले लिए। और यहाँ मुझे केक नज़र आ गए और मेरे माइंड में फटाफट से रेसिपी आ गई कि आप केक लें और उसको आप मिल्क में सोक करें और बस ऊपर से आप क्रीम बीट करके डाल दें, तो बड़ा अच्छा डिज़र्ट बन जाता है। ये मेरा फेवरेट सेक्शन आ गया, ये कितने मज़े का पड़ा है, 34, ये भी 34 का। मीठा लेना है कुछ, पेस्ट्रीज ये वाली या और कुछ आगे से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बस मैं देख रही हूँ कि एक
और मेरी नज़र पड़ गई ड्रीम केक पे। यहाँ पे ड्रीम केक है बट काफ़ी महंगा है। इस तरह टिन में होता है, एक ये वनीला फ्लेवर आई थिंक और ये शायद फुल चॉकलेट फ्लेवर है। तो मुझे पर्सनली ड्रीम केक जो है वो इतना पसंद नहीं है, मैंने एक दफ़ा ले कर ट्राई किया था। और ये मिल्क केक जो है ये मैं बहुत आपको रेकमेंड करूँगी, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, ये बहुत टेस्टी होता है। और साथ ही मुझे नज़र आया एक प्यारा सा छोटा सा केक, आप देख सकते हैं छोटा सा बेंटो केक था, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब किस खुशी में ले रहे हैं? भूख की खुशी में। भूख इंसान से कुछ भी कराती है। सही बात है। ये उमर की पेस्ट्री है और मैंने ये वाले ली, मेरी पैक हो गई। वो वेजिटेबल पिज्ज़ा था शायद। वेजिटेबल पे ये भी मज़े के होते हैं, चीज़ क्रोसॉन ये बहुत मज़े के होते हैं, टेस्टी होते हैं। और उसके अलावा ये मिनी वाले, ये बटर वाले, ये भी बहुत टेस्टी होते हैं। ये ऑफर में चल रहे हैं चीज़ वाले। सारी वेजिटेबल्स यहाँ पे पड़ी हैं, आपने पूरा पैक लेना है, आप ये पूरा पैक ले लें। इसके अलावा ये टिंडे और पैकिंग इनकी बहुत अच्छी है, फिर बड़े बल्क में आपको चाहिए तो ये सारा है। इसके अलावा ये कैप्सिकम मिक्स वाला पैक भी आपको मिलेगा, आपको मिक्स चाहिए तो। ये कितने का है आई थिंक, नहीं इसकी प्राइस यहाँ मेंशन नहीं है। और ये स्वीट कॉर्न, उमर की फेवरेट स्वीट कॉर्न्स। साथ क्या है? आलू नहीं, ये वो रेड पोटैटोज आई थिंक। सारी चीज़ें पैक हैं। हमारा सामान पूरा हो गया तकरीबन, सारे हर्ब्स फ्रेश एवरीथिंग। मल्टे आलू ये बैग्स पड़े हैं, आपने यहाँ से लेने हैं अनियन और पोटैटो के तो आप वो ले सकते हैं। ये फ्रोजन सेक्शन सारा, ये ब्राउन एग्स और ये भी अच्छे होते हैं। बस हम कोल्ड ड्रिंक लेंगे अपने लिए, और ये जुगना, ये बहुत मज़े का होता है, ये बहुत टेस्टी है, मैं आपको रेकमेंड करूँगी, रेकमेंड करूँगी ज़रूर, आप ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी होते हैं। ट्रायंगल चीज, कोल्ड ड्रिंक हमने ले ली, कोल्ड ड्रिंक ले ली, बस अब चलते हैं। ये सारा यहाँ पे पड़ा है, ये आइटम्स हैं यहाँ पे, वगैरह पड़ी है आपको चाहिए तो। बस अब वापसी है हमारी और घर जाएंगे, तकरीबन रात के 10:30 हो गए हैं, एंड जाके नींद करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर आपको एक और व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।